हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश इस चैनल पे। तो बच्चों, हम साइंस पार्ट टू के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो इसके बारे में वीडियो जो है आपके लिए आ रहे हैं। इसमें आज जो है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एनिमल क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर के बेसिस पे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में कुछ जो है डायग्रामेटिक क्वेश्चन, जो है डायग्राम के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी हमने ऐड करने का कोशिश किया है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी वीडियो होगा आपके लिए। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो बच्चों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है देखिए आपके सामने, ऑक्टोपस इज अ मोस्ट क्लेवर एनिमल अमंग नॉन कॉर्डेट। बच्चों, जनरली नॉन कॉर्डेट जो है, नॉन कॉर्डेट में नर्वस सिस्टम जो है डेवलप नहीं होती, उसकी वजह से ये एनिमल्स ह्यूमन बीइंग की तरह क्लेवर नहीं होते, लेकिन इसमें ऑक्टोपस जो है, इसमें जो है वो क्लेवरिटी हमें दिखाई देती है। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लैट वर्म शोज द ब्लैंक ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्लैट वर्म जो होते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, बी प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, सी सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों, फ्लैट वर्म जो है ये थर्ड फाइलम है प्लैटेलमेंथिस, इसमें टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा किंगडम कौन सा है, फाइलम कौन सा है? एनेलिडा, बी मॉलिस्का, सी ऑर्थोपोडा, डी इकाइनोडर्मेटा। तो बच्चों, आर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मॉलिस्का। नेक्स्ट, ब्लैंक इज एग्जांपल ऑफ पॉलीफेरा। इसमें से पॉलीफेरा जो, इसका एग्जांपल क्या है वो हमें ढूंढना है। युगलेना, अमीबा, अर्थवाम और स्पॉन्जिला। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है डी, तो डी है पॉलीफेरा में आता है। युगलेना तो जो है वो प्रोटोजोआ में आता है, अमीबा भी प्रोटोजोआ में, अर्थवाम जो है वो एनिलिडा में आता है, तो स्पॉन्जिला इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉर्डेटा इज डिवाइड इनटू हाउ मेनी सब फाइला। तो कॉर्डेट जो फाइलम है, इसके तीन सब फाइलम होते हैं, तो सी नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो कौन कौन से तीन फाइलम है बच्चों? यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम, देन सेफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड इज वर्टेब्रेटा। वर्टेब्रेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेनिएटा, इसे क्रेनिएटा भी कहा जाता है। तो दीज आर द थ्री सब फाइलम्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। तो जो नेचुरल सिस्टम है क्लासिफिकेशन की, वो किस क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड है? तो बच्चों, वर्टेब्रल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ सेल एंड क्रोमोजोम्स, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल ऑफ द अबो। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इट बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस अबो। नेक्स्ट, ब्लैंक इज अ रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ एनिमल बॉडी। तो एनिमल बॉडी के डॉर्सल साइड में जो सपोर्टिंग रॉड होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दैट इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। तो बच्चों, इसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, क्योंकि नोटोकॉर्ड जो है वो डॉर्सल साइड में होता है। तो ये वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड है, तो डॉर्सल साइड में नोटोकॉर्ड होता है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन फिर वर्टेब्रल कॉलम में होता है। नेक्स्ट, ब्लैंक इज सेड टू बी अ फ्रेंड ऑफ फार्मर। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसे हम फार्मर का फ्रेंड कहते हैं? लीच, नेरिस, टेपवर्म या अर्थवर्म? तो बच्चों, अर्थवर्म जो है एक करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अर्थवर्म इज कॉल्ड एज फ्रेंड ऑफ फार्मर। तो अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसके दो तीन रीजन है। पहला तो अर्थवर्म जो है वो मिट्टी के अंदर रहता है और उसमें से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो खाता है। ऑर्गेनिक मैटर खाने के बाद उसके बॉडी से जो वेस्ट निकलता है, तो वो वेस्ट जो है इट इज एनरिच विद द न्यूट्रिएंट्स। उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काम आते हैं। इसकी वजह से देयर ऑकर्स द नेचुरल फर्टिलाइजेशन। ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स तैयार होता है हमारे जमीन के अंदर, जो अर्थवर्म तैयार करते हैं। और दूसरा जो है, ड्यू टू द बरोइंग हैबिट ऑफ अर्थवर्म इट फॉर्म्स अ स्मॉल पोर्स ऑन द इन द सॉइल। तो इसके बोरोइंग हैबिट से छोटे छोटे पोर्स जो है जमीन के अंदर तैयार होते हैं, तो इसकी वजह से नेचुरल प्लग इन भी वो जो है मिट्टी की होती है, और वेंटिलेशन जो है वो क्रॉप के लिए अच्छा होता है, तो इसीलिए अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स
इफ टिश्यूज आर नॉट फॉर्म देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू इसके बॉडी में अगर तैयार नहीं होते तो उस ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं? टिश्यू अगर नहीं तैयार होंगे तो उसे कहते हैं सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल विदाउट नोटोकॉर्ड, जो एनिमल्स जिनको नोटोकॉर्ड नहीं होते उनको क्या कहते हैं? इनवर्टेब्रेट्स, बी नॉन कॉर्डेट्स, सी नॉन सिलोमेट्स, डी नॉन क्रेनियल। तो बच्चों इन्हें हम कहेंगे नॉन कॉर्डेट्स ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नॉन कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड और डिवाइडेड इनटू ब्लैंक फाइला। तो नॉन कॉर्डेट जो है वो कितने फाइलम में डिवाइड होते हैं? नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स इट इज डिवाइड्स इनटू द 10 फाइलम। इसमें 10 फाइलम है। पहला फाइलम जो है वो है पॉरीफेरा, सेकंड निडेरिया या सिलेंटेरेटा, थर्ड जो है वो प्लेटेलमेंथिस, देन नेक्स्ट एस्केलमेंथिस, देन फिफ्थ नंबर एनिलिडा, सिक्स नंबर ऑर्थोफोडा, देन ऑर्थोफोडा जो है बच्चों ऑर्थोफोडा के बाद मॉलिस्का, इकाइनोडर्मेटा, धेमिकॉर्डेटा, दीज आर द फाइलम्स ऑफ सब फाइलम्स ऑफ फाइलम नॉन कॉर्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एनिमल्स विथ इम्प्रॉपर सिलोम आर कॉल्ड एज। जो एनिमल्स जो है इनमें सिलोम इम्प्रॉपर है, यानी कि इसको हम ट्रू सिलोम भी नहीं कर सकते, सिलोम भी नहीं कह सकते, और सिलोम नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते। तो सिलोम क्या होता है बच्चों? सिलोम इज द बॉडी कैविटीज प्रेजेंट बिटवीन इंटरनल ऑर्गन एंड बॉडी। बॉडी और इंटरनल ऑर्गन इसके बीच में जो कैविटीज होती है उसे सिलोम कहा जाता है। तो जिनके अंदर इम्प्रॉपर सिलोम है इसको हम कहेंगे फॉल्स सिलोम। तो फॉल्स सिलोम को कहते हैं सुडो सिलोमेट। अगर सिलोम है ही नहीं तो उसे असिलोमेट कहेंगे, अगर सिलोम है तो उसे यू सिलोमेट कहा जाता है। तो इम्प्रॉपर सिलोम है तो इसे सुडो सिलोमेट कहा जाएगा। तो बी नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इंटू। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे, दो ऑर्गेनिज्म से, पहला जो है बेलेनोग्लॉसस एंड दूसरा है सेकोग्लॉसस। दीज आर बिलोंगिंग टू द फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो ये फाइलम हेमिकॉर्डेटा में आते हैं बच्चों। तो इस फाइलम की बॉडी कितने हिस्सों में डिवाइड है? इसकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड है। तो पहला जो है ये प्रोबोसिस, सेकंड कॉलर और तीसरा जो है ट्रंक। तो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक कहाँ पे दिखते हैं हमें? डी नंबर ऑप्शन, सॉरी, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो बच्चों यहाँ पे जो है हमारा बी नंबर का ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। करेक्ट सीक्वेंस में हमें यहाँ पे बताना है तो करेक्ट सीक्वेंस जो है हमारा बी नंबर के ऑप्शन में हमें मिलता है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो इसे याद रखना है बच्चों, हेमिकॉर्डेटा जो है, हेमिकॉर्डेटा में ऑर्गेनिजम्स की बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। प्रोबोसिस सबसे ऊपर वाला हिस्सा, देन कॉलर और सबसे आखिरी ट्रंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स विद ट्रू सिलोम आर कॉल्ड है। जिसके अंदर ट्रू सिलोम है, सिलोम है, बॉडी कैविटीज उसके अंदर है, तो इसे कहते हैं यू सिलोमेट। यू सिलोमेट यानी कि ट्रू सिलोम, सुडो सिलोमेट, फॉल्स सिलोम, असिलोमेट यानी कि सिलोम अब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब फाइलम वर्टेब्रेटा आर डिवाइडेड इनटू। सब फाइलम वर्टेब्रेटा इनका डिवीजन किसमें हुआ है? दो फाइलम के अंदर होता है। ये तो सब फाइलम है तो इसको फाइलम के अंदर डिवीजन नहीं होगा क्योंकि, और देन सिक्स फाइला, इसका सिक्स फाइला के अंदर डिवाइड होता है, सिक्स क्लासेस या फाइव क्लासेस। तो बच्चों वर्टेब्रेटा जो सब फाइलम है वो सिक्स क्लास में डिवाइड होता है। कॉर्डेट जो है, कॉर्डेटा ये फाइलम है, इसके 3 सब फाइलम होते हैं। पहला होता है यूरो कॉर्डेटा, देन सेफेलो कॉर्डेटा, और तीसरा होता है वर्टेब्रेटा जिसे क्रेनिएटा भी कहा जाता है। और ये डिवाइड्स इनटू द 6 क्लासेस, इनके 6 क्लासेस है। तो पहला जो क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा, दूसरा है पाइसिस, देन थर्ड है एम्फीबिया, एम्फीबिया बी आई, देन फोर्थ जो है वो है
रेप्टिलिया। देन फिफ्थ जो क्लास है, क्लासेस है, वर्टेब्रेटा इट डिवाइड्स इनटू सिक्स क्लासेस। फिफ्थ क्लास है एयूज, और सिक्स क्लास जो होता है, सिक्स नंबर का क्लास है वो है मैमलिया। आ गया समझ में? तो इस तरह से कॉर्डेटा जो है इसका डिवीजन होता है। नेक्स्ट, व्हेल्स आर होमियोथर्म। तो व्हेल्स जो है होमियोथर्मिक एनिमल, तो होमियोथर्मिक इसका अर्थ है कि दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि उनकी बॉडी टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहता है। तो पहला ऑप्शन है ट्रू, दे हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एज दे आर मैमल्स। तो यही पहला ही ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, क्योंकि इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और ये मैमल्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा जो है इसके सब फाइलम कौन से नहीं है? सेफेलो कॉर्डेटा तो सब फाइलम है, क्रैनिएटा यानी कि वर्टेब्रेटा ये भी सब फाइलम है, यूरो कॉर्डेटा भी इसका फाइलम है। तो हेमी कॉर्डेटा इज नॉट द सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो हेमी कॉर्डेटा जो है ये होता है फाइलम, किसका फाइलम है? नॉन कॉर्डेटा। हेमी कॉर्डेटा इज अ फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेटा, आखिरी फाइलम है। और ये तीनों जो है ये तीनों सब फाइलम से, किसके? कॉर्डेटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फाइला आफ्टर निडेरिया आर, निडेरिया यानी कि सिलेंटेराटा के बाद जितने भी फाइलम है, पहला पॉलीफेरा है, दूसरा निडेरिया है, और उसके बाद के सभी फाइलम्स कैसे है? यूनिसेल्यूलर है, बी डिप्लोब्लास्टिक है, सी ट्रिप्लोब्लास्टिक, या डी सेगमेंटेड। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। निडेरिया जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है, और इसके बाद के सभी फाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसका अर्थ है कि इनकी बॉडी जो है वो तीन जर्म लेयर से बनी है, एक्टोडर्म, मिजोडर्म और एंडोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फीचर ऑफ एन आर्थोफोडा। तो आर्थोफोडा का इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ज्वाइंटेड लिम्स, देन असिलोमेट डिप्लोब्लास्ट, असिमेट्रिकल बॉडी। तो जो आर्थोपोडा है इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ज्वाइंटेड लिम्स। आर्थो मींस ज्वाइंटेड एंड पोडा मींस लीग्स और लिम्स, तो ज्वाइंटेड लिम्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, बॉडी इज स्पिंडल शेप ऑफ फिश टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टर। तो फिश की बॉडी ये स्पिंडल शेप होती है, ऐसे देखिए यहां पे। और स्पिंडल शेप बॉडी होने की वजह से अब यहां से ये इधर की तरफ फ्लो पानी के अंदर बहेगी, तो वाटर जो है पानी का बहाव जो है यहाँ पे कम होता है। तो इसका आंसर ट्रू है, स्पिंडल शेप बॉडी हेल्प्स टू मिनिमाइज द वाटर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑड ऑप्शन आउट। इसमें से ऑड हमें ढूंढना है। ये टेप वर्म, बी इंटेस्टाइनल वर्म, सी आई वर्म, देन फाइलेरिया वर्म। तो बच्चों इसमें से टेप वर्म ऑड होगा, क्योंकि टेप वर्म जो है ये प्लेटेल मेंटिस का मेंबर है, प्लेटीहेल मेंटिस, और ये जो है तीनों एस्केल मेंटिस है। तो इंटेस्टाइनल वर्म जो है एस्केरिस, आई वर्म जो है इसे हम कहते हैं लोगो लोगो, और जो इसके बाद जो है फाइलेरिया वर्म। तो ये तीनों मेंबर जो है एस्केलमेंटिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिच इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ क्लास फाइसेस। तो क्लास फाइसेस जो है सेकंड क्लास है फाइलम कॉर्डेटा का, सॉरी वर्टेब्रेटा, सब फाइलम वर्टेब्रेटा का सेकंड क्लास है। तो इसमें से एक क्लास फाइसेस का कौन सा कैरेक्टर नहीं है? तो रॉन्ग कैरेक्टर हमें ढूंढना है। कार्टिलेजिनस और बोनिस एंडोस्केलेटन, तो ये करेक्ट है बच्चों। रेस्पिरेशन ऑकर्स विद गिल्स, गिल्स से रेस्पिरेशन होता है। स्पिंडल शेप बॉडी करेक्ट है। होमियोथर्म, तो डी नंबर ऑप्शन रॉन्ग है, होमियोथर्म। तो पाइसेस में जो ऑर्गेनिजम्स है ये होमियोथर्म नहीं होते, वो पॉइक्युलोथर्म होते हैं। पॉइक्युलोथर्म यानी कि दे आर कोल्ड ब्लडेड, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेल्स आर ब्लैंक। स्नेल्स क्या है? इकाइरोडर्म्स है, असेक्सुअल है,
हर्मेफ्रोडाइट है या यूनिसेक्सुअल है? तो बच्चों स्नेल्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल इसका अर्थ क्या है? मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। यूनिसेक्सुअल का अर्थ क्या होता है? तो ऑर्गेनिजम्स आर एनिमल्स विच कैन प्रोड्यूस आइदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो इसके वजह से मेल ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट तैयार करता है और फीमेल ऑर्गेनिज्म फीमेल गैमेट तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैट इज इंक्लूडेड इन विच क्लास? तो बैट जो होता है वो कौन से क्लास में होता है? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ईयोस या मैमिलिया? बैट जो है वो बर्ड्स की तरह दिखता है लेकिन इट इज इंक्लूडेड इन टू द क्लास मैमिलिया, क्योंकि इसमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं और वो बच्चों को जन्म भी देते हैं। नेक्स्ट, हार्ट इन नॉन कॉर्डेट इज प्रेजेंट ऑन ब्लैंक साइड ऑफ द बॉडी। नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हम लोग कॉर्डेट है तो हमारे अपोजिट साइड्स में इसका हार्ट प्रेजेंट होता है। हमारा हार्ट वेंट्रल साइड में है तो कॉर्डेट का हार्ट जो होगा वो डॉर्सल साइड में होगा। तो डॉर्सल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाइनोडर्म्स क्या? इकाइनोडर्म्स जो है इनके लेयर्स कितने होते हैं? टू जर्म्स लेयर, थ्री जर्म्स लेयर, सुडो सिलोम, नो सिलोम। दे आर मेड अप ऑफ थ्री जर्म्स लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीडोडर्म। ये तीन जर्म लेयर से इकाइनोडर्म्स बने हुए होते हैं। एक्चुअली निडेरिया फाइलम्स के बाद जो भी फाइलम्स है वो सभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो तीन जर्म लेयर से बने हुए हैं, यानी कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक व्हेन? एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक कब होगा? दे हैव रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री होगा तो उसे डिप्लोब्लास्टिक कहा जाएगा। दे हैव टू जर्म लेयर्स, टू जर्म लेयर्स हो गए तो उसे डिप्लोब्लास्टिक कहा जाएगा। तो बच्चों ये करेक्ट है, अगर दो जर्म लेयर्स है तो डिप्लोब्लास्टिक और तीन जर्म लेयर्स है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी ऑफ मॉलिस्कन इज, मॉलिस्कन जो होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है? टेंडर टूवर्ड्स द हेड, काइटिनस या सॉफ्ट एंड स्लाइमी। तो मॉलिस्कन जो है इनकी बॉडी जो बच्चों सॉफ्ट और स्माइली होती है और उनके ऊपर जो है कैलकेरियस कवरिंग भी होता है। नेक्स्ट, विसेरल मास ऑफ मॉलिस्कन इज कवर्ड विथ मेंटल। तो विसेरल मास जो है उसके ऊपर मेंटल की कवर होती है और जो प्रोड्यूस करता है कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग, दैट इज कैल्शियम कैलकेरियस कवरिंग सेल। तो पहला ऑप्शन है ट्रू, इट इज कैलकेरियस सेल। तो करेक्ट है बच्चों, क्योंकि मेंटल जो है वो सिक्रेट करता है कैलकेरियस सेल। तो बाकी सभी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोमोशन इन इकाइनोडर्म्स इज बाय। तो इकाइनोडर्म ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें लोकोमोशन किससे होता है? तो स्पाइन से होते हैं। तो सीटी पैरापोडिया एट ट्यूब फीट, दे लोकोमोट विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। स्टार फिश हमने देखा होगा बच्चों, फाइव आर्म्स जिसके होते हैं एंड ईच आर्म्स आर कॉल्ड एज ट्यूब फीट, और ये ट्यूब फीट्स की मदद से ये लोकोमोशन करते हैं। एंड लोकोमोशन ही नहीं करते तो दे कैन यूज दिस ट्यूब फीट्स फॉर कैप्चरिंग देयर प्रे। तो उनके भक्ष जो है उनको पकड़ने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ वर्टेब्रेटा? इसमें से कौन सा वर्टेब्रेटा का क्लास नहीं है? रेप्टेलिया तो क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा, क्रैनिएटा एंड ईयोस। तो बच्चों क्रैनिएटा नहीं है इसका क्लास, क्योंकि वर्टेब्रेटा को ही क्रैनिएटा कहा जाता है। एंड वर्टेब्रेटा इट डिवाइड्स इनटू सिक्स क्लासेस, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, रेप्टेलिया, एउस, एम्फीबिया एंड मैमिलिया। तो क्रैनिएटा वर्टेब्रेटा का ही दूसरा नाम है क्रैनिएटा, तो क्रैनिएटा इसमें ऑड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स इनका जो क्लासिफिकेशन किया है वो किस आधार पे किया है? फर्स्ट, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ बोन्स, बोन प्रेजेंट है या अब्सेंट है इसके आधार पे। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ बॉडी सिलोम, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स इसका जो क्लासिफिकेशन है ये बेस होता है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो कॉर्डेट्स, और जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, ब्लैंक कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम रिमेनिंग बॉडी।
तो नर्वस टिश्यू जो है उनको हमारे बॉडी से अलग करने का काम कौन करता है? नोटोकॉर्ड करता है, बोन्स करते हैं, सिलोम यानी कि कैविटी करती है, या क्रैनियम यानी कि ब्रेन बॉक्स करता है। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ये, नोटोकॉर्ड कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम रिमेनिंग बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ मॉलिस्कन, तो इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म, हाँ ये मॉलिस्कन इस फाइलम के अंदर आता है, स्टार फिश, सी कुकुम्बर, स्नेल, सेंटीपीड, तो इसमें से मॉलिस्कन कौन सा है? स्टार फिश तो इकाइनोडर्मेटा है बच्चों, सी कुकुम्बर ये करेक्ट आंसर होगा। सी कुकुम्बर भी जो है, सॉरी सी कुकुम्बर जो है वो इकाइनोडर्मेटा में आता है, सॉरी। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमें करेक्ट करना पड़ेगा, स्नेल जो होगा वो स्नेल इट इज इन द मॉलिस्का, स्नेल मॉलिस्का में आता है। सी कुकुम्बर और स्टार फिश ये इकाइनोडर्मेटा हैविंग द स्पाइंस, देन सेंटीपीड जो है वो आते हैं आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा और स्नेल जो है मॉलिस्का में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असिमेट्रिक बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू हॉल्स, असिमेट्रिक बॉडी जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, तो बच्चों ट्रू है क्योंकि ये असिमेट्रिकल है, तो उसको दो, क्योंकि दो हिस्से करेंगे तो दोनों हिस्से एक जैसे नहीं बनेंगे। एनिमल यक्स इज नॉन कोऑर्डिनेट, एक यक्स एनिमल है जो नॉन कोऑर्डिनेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इट, कौन सा इसमें से करेक्ट होगा नॉन कोऑर्डिनेट के लिए? अगर वो एनिमल नॉन कोऑर्डिनेट है तो बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, उसकी बॉडी को नोटोकॉर्ड का सपोर्ट होगा, तो ये कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स और लंग्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन, तो लंग्स तो रेस्पिरेशन के लिए नहीं होती। हार्ट इफ प्रेजेंट इट इज ऑन डॉर्सल साइड, देन नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड या ऑफ बॉडी एंड इट इज हॉलो, तो बच्चों जो है डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि नर्व कॉर्ड एक तो प्रेजेंट नहीं होगा और प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल नहीं वेंट्रल साइड पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइसेस इंक्लूड्स ऑल एक्वाटिक एनिमल्स लिविंग इन मराइन अ फ्रेश वाटर, तो इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है बच्चों कि पाइसेस एक क्लास है वर्टेब्रेटा सब फाइलम का, तो इसके अंदर सभी एक्वाटिक एनिमल्स आते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले या मराइन वाटर के अंदर रहने वाले, तो इसका आंसर बच्चों हम बहुत बार सोचेंगे तो पाइसेस तो पानी के अंदर रहते हैं इसकी, लेकिन इसका आंसर फॉल्स है क्योंकि सभी एक्वाटिक एनिमल्स पाइसेस के अंदर नहीं आते हैं। अब देखिए मॉलिस्का उसमें भी एनिमल जो है मराइन है, देन इकाइनोडर्मेटा ये प्योरली एक्वाटिक एनिमल्स है, तो सभी एक्वाटिक एनिमल पाइसेस में, सभी फिशेस अगर ऐसा क्वेश्चन, ऑल द फिशेस दे आर इंक्लूड इन द ग्रुप ऑफ पाइसेस लिव इन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर, तो ये करेक्ट होगा, तो पाइसेस के अंदर सभी एक्वाटिक एनिमल नहीं आते लेकिन सभी फिशेज आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉलर यूनिट देन सच बॉडी इज कॉल्ड एज ब्लैंक बॉडी, अगर बॉडी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होते हैं तो इसे हम सेगमेंटेड कहते हैं, जैसे कि एनिलिडा, सेगमेंटेड इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किन इज ड्राई एंड स्केली इन, ड्राई और स्केली स्किन जो है इसमें से किस में हमें पाई जाती है? एम्फीबियंस, मैमल्स, एव्स एंड रेप्टाइल्स, तो इसका आंसर बच्चों रेप्टाइल्स होगा, रेप्टाइल्स में स्केल होते हैं और वो ड्राई होते हैं, इसकी वजह से रेप्टाइल्स में जो है स्किन पीरियोडिकली शेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्स ऑन स्पॉन्जेस आर कॉल्ड एज, स्पॉन्ज के ऊपर जो स्पोर होते हैं इन्हें कहते हैं हम ऑस्टिया, क्योंकि ऑस्किलम जो बड़ा पोर होता है, स्पॉन्जी स्पोर तो करेक्ट ऑप्शन गलत ऑप्शन होगा, पोरुला इसका नाम नहीं, तो ऑस्टिया करेक्ट ऑप्शन है, स्मॉल पोर्स जो होते हैं स्पॉन्जेस के ऊपर उन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। पिक द ऑड ऑप्शन आउट, इसमें से ऑड हमें ढूंढना है, स्कॉलिडियम, पॉम्परेट, सेलेमेंडर और शार्क, तो बच्चों इसमें से सेलेमेंडर ऑड होगा कि सेलेमेंडर रेप्टाइल्स में आता है और बाकी ये तीन ऑप्शन जो है ये पाइसेस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार फिश हैज, तो स्टार फिश जो इसका आंसर भी आ गया है इस यहाँ पे,
नो सिलोम, नो सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है बच्चों, ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन नॉन कोऑर्डिनेट। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये नॉन कोऑर्डिनेट में नहीं आता? यूरो कोऑर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, हेमी कोऑर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा। तो बच्चों नॉन कोऑर्डिनेट में यूरो कोऑर्डेटा नहीं आता, यूरो कोऑर्डेटा और साइक्लोस्टोमेटा भी नहीं आता। तो हेमी कोऑर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा ये नॉन कोऑर्डेट्स में आते हैं और ये कोऑर्डेट्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ निडेरियंस इज अम्ब्रेला शेप इज अ पॉलिप एंड अ सिलेंड्रिकल मेडूसा। तो जो है हमेशा याद रखना है, मेडूसा जो है ये अम्ब्रेला शेप होता है और पॉलिप सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ये फॉल्स है बच्चों। यहाँ पे क्या बताया, निडेरिया पॉलिप शेप बताया और मेडूसा जो है वो सिलेंड्रिकल बताया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा फॉल्स है ये, क्योंकि पॉलिप जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है और मेडूसा अम्ब्रेला। क्योंकि निडेरियन यानी कि सिलेंटेरेटा, इनकी बॉडीज दो प्रकार की होती है, जो सिलेंड्रिकल शेप होती है उन्हें पॉलिप कहा जाता है और जो अम्ब्रेला शेप होती है उन्हें मेडूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ एनिलिडा। एनिलिडा जो फाइलम है इसका कौन सा कैरेक्टर नहीं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरली सिमेट्रिकल, यूनिसेक्सुअल, सुडोसिलोमेट। तो सुडोसिलोमेट इसका रॉन्ग आंसर है, ये यूसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, बायलैटरली सिमेट्री भी है और यूनिसेक्सुअल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी ऑफ प्लैनेडिया। प्लैनेडिया आपने ऑर्गेनिज्म देखा होगा, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलैटरल होते हैं, सेगमेंटेड, यूसिलोमेट। तो बच्चों बॉडी ऑफ प्लैनेडिया, प्लैनेडिया की बॉडी ही बायलैटरल होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमंस आर। तो ह्यूमंस क्या है इसमें से बच्चों? एम्फीबियंस है, मैमल्स है, योज है, पाइसेस है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ह्यूमंस आर मैमल्स। दे आर हैविंग द मेमोरी ग्लैंड, स्किन, हेयर्स उसमें है। दे गिव द बर्थ टू द यंग वंस। दी कैरेक्टरिस्टिक आर द मैमल्स एंड ये सभी कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन बींग में पाए जाते हैं। दे आर फोर ह्यूमंस आर मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लैंक एनिमल्स इज रेफर्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक यानी कि सेल जो है जनरली जो है प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखाई देता है। सिलेंटेरेट्स, निडेरियन, सी पैरामेसियम, डी इकाइनोडर्म। तो पैरामेसियम जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, ये पैरामेसियम हैविंग प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पिक द ऑड ऑप्शन आउट, इसमें से ऑड हमें ढूंढना है। ए फिशेस, बी बर्ड्स, सी ह्यूमंस, डी स्टार फिश। तो इसमें से ऑड जो होगा स्टार फिश होगा बच्चों, क्योंकि स्टार फिश जो है ये इकाइनोडर्मेटा में आता है। दे आर नॉन कॉर्डेट्स, तो स्टार फिश नॉन कॉर्डेट है और फिशेज, बर्ड्स और ह्यूमंस ये कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, पिक द ऑड ऑप्शन, इसमें से ऑड हमें ढूंढना है। फिशेज बर्ड, ये फिर से रिपीट हुआ है बच्चों, डी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग द एनिमल इज कॉल्ड एज। तो एनिमल्स में जो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस पाए जाते हैं इसकी वजह से उन्हें अलग अलग ग्रुप में, एक ग्रुप में कौन से एनिमल होंगे जिनमें ज्यादा सिमिलैरिटी है और जिनमें डिफरेंसेस है उनको अलग ग्रुप में रखा जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? एनिमल आइडेंटिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन और एनिमल डिवीजन। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इसे कहते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑड ऑप्शन आउट, इसमें से ऑड हमें ढूंढना है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही ऑड होगा, क्योंकि एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल नहीं होता है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रोटिस्टा और मोनेरा में पाया जाता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे बच्चों देखिए, हमने जो है इतने क्वेश्चंस जो है इस यहाँ इस चैप्टर के बेस पे थे, वो क्वेश्चन सभी कंप्लीट किए हैं। तो सभी क्वेश्चन जो है आपको आने वाली एग्जाम में हेल्पफुल होंगे ऐसे आशा करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।